आई प्रेजेंट टू यू द JF-17 थंडर। पाकिस्तान का ये शहजादा परेड वेन्यू के ऊपर हाई जी टर्न का मुजाहरा पेश करते हुए। आफ्टर कंप्लीटिंग द हाई जी टर्न द एयरक्राफ्ट विल प्रोसीड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ द वेन्यू विल बी कैरिंग आउट द नेक्स्ट मैनूवर कॉल्ड द हाफ क्यूमिनेट, जिसमें तयारा फजा में आठ के हिंसे की आधी शक्ल बनाएगा। On 27th February, the enemy made a grave mistake of miscalculating our capability and our will to fight for the country. But Pakistan Air Force once again proved that it's not Pakistan who is at the mercy of an aggressor, rather the aggressor is at the mercy of Pakistan. देखिए, लुत्फ़ो अदाए रब्बे जहां हम पे है। थंडर की आसमान में परवाज देखिए। और ये खवातीन हज़रात, आपके सामने एक और हाफ क्यूबिनेट का मुजाहरा। कलरिंग द स्काई द पायलट हैज कंप्लीटेड द हाफ। इतनी कम बुलंदी पर इन्वर्टेड फ्लाइंग करना इंतहाई महारत का मुतकाजी है। और ये खवातीन हज़रात, परेड वेन्यू के बाएं जानिब से आते हुए इन्वर्टेड फ्लाइंग का इंतहाई खतरनाक मुजाहरा। पायलट आपकी तालियों का मुंतजर। वो मुजाहरा देखेंगे जो खास इसी तैयारे से मंसूब है, इसे थंडर टन कहा जाता है। परेड वेन्यू के ऊपर एस के हिंसे की शक्ल बनाते हुए पूरी घनगरज के साथ यह तैयारा आपके सामने थंडर टन का मुजाहरा पेश करेगा। JF-17 इज अ सिंबल ऑफ ब्रदरहुड, यूनिटी, ट्रस्ट एंड अल्टीमेट रिलायंस। इट डिपिक्ट्स हार्ड वर्क, डिवोशन, डेडिकेशन टू इट्स आर्सेनल। Coming from the left side of the venue, the pilot will now pull up for the next maneuver, which is called the barrel roll. और अब आपके सामने खवातीन हज़रात, बैरल रोल का मुजाहरा, जिसमें तैयारा एक तसव्वुराती बैरल के गिर्द चक्कर मुकम्मल करेगा। The disappearance of the engine sound is an indication that the pilot has pushed the throttles back to idle. JF-17 थंडर तैयारे की कम रफ्तार पे परवाज करने की सलाहियत। परेड वेन्यू की दाएं जानिब से आते हुए सलामी के चबूतरे के सामने से 200 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार पे परवाज करते हुए पाक फजाई का JF-17 थंडर तैयार। The roar of the engine is an indication that the pilot has pumped the throttles to max burners, rising on its own engine power. खवातीन हज़रात, फजा में बुलंद होते हुए पाक फजाई का रिवायती अंदाज कौम को अलविदा कहने का। That's called agility. That's called swiftness. These maneuvers are neither stunts nor feats.